मिला, तो आप लोग ऐसा कम ना रहे मेरे जैसे कि तीन धारा में तीन धारा मिलेगी हमको, तीन पाइप मिलेंगे पानी के। ओ माय गॉड, इतना बड़ा शिवलिंग, बाप रे बाप, पहली बार देख रहा हूँ। ओहो क्या है ये, इतना बड़ा शिवलिंग, सच बता रहा हूँ मैं पहली बार देख रहा हूँ, और इतने बड़े शिव जी शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन मैंने तो पहली बार देखे हैं, इतना बड़ा शिवलिंग और इतने बड़े शिव जी। तो मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ यहाँ के बारे में, शायद मैडी जानता होगा, मैडी को पूछता हूँ मैं। तो मैडी तेरे को कुछ पता है इसके बारे में, इतना बड़ा शिवलिंग, इतने बड़े शिव जी, कुछ पता है क्या? वैसे तो जब हम यहाँ से आए थे या इससे पहले, हमें पता तो नहीं था कि बीच में ऐसी भी कोई जगह है, भोलेनाथ की इतनी बड़ी प्रतिमा, इतना बड़ा शिवलिंग और आश्रम वगैरह ऐसा कुछ है, पहले हमें पता नहीं था। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे मतलब ये लेक वगैरह इनको पड़ा, तो कोई इकबाल सिंह छावड़ा जी हैं, अशोक बिहार दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है, मंदिर और ये जो आश्रम है इसका निर्माण करवाया है। उनके अनुसार जो कि उन्होंने लिखा है, हमें भी वहीं से पता चला, उनके अनुसार वो कह रहे हैं कि जब वो यहाँ की यात्रा कर रहे थे, यहाँ जोशी मठ की यात्रा कर रहे थे, तब तो रास्ते में उन्हें यहाँ पे कुछ साधु लोग वगैरह मिले। अच्छा, जो कि नंगे पाँव वहाँ जा रहे थे, बद्रीनाथ हेमकुंड की ओर जा रहे थे। अच्छा अच्छा, तो तब से उनके दिमाग में ये ख्याल आया है कि जो रुकने का स्थान है वो यहाँ से सीधे वहाँ है, ऋषिकेश में है, वहाँ जो धर्मशालाएं वगैरह है वहाँ है, उसके बीच में ना ही रुकने का है ना ही खाने पीने की कुछ है। तो उससे शिव भक्ति में उन्होंने यहाँ पे इस आश्रम का निर्माण कराया, और वहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे रुकने ठहरने और किसी भी चीज के लिए आपको किसी को भी एक रुपए देने की जरूरत नहीं है। साधु लोगों को या पब्लिक को? साधु लोगों को, पब्लिक को। जो नाम क्या था उनका जिन्होंने इसका निर्माण करा? नाम था इकबाल सिंह छावड़ा, अशोक बिहार दिल्ली के रहने वाले थे। वाह यार, इन्होंने तो काफ़ी बढ़िया बना रखा, मतलब यात्री लोगों के लिए ना, टूरिस्टों के लिए बहुत बढ़िया ये सुविधा ही है। और शिव जी की प्रतिमा है जो वो इतनी बड़ी, मैंने लाइफ में पहली बार देखी इतनी बड़ी प्रतिमा है, ये देख सकते हैं आप, मैं तो इसके नज़दीक में भी नहीं हूँ। और ये शिवलिंग भी बना रखा है यहाँ पर, बहुत ही तगड़ा वाला है। तो हे गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, सुबह से बोला था कि मैं आपको देव प्रयाग, तो पहुंच चुके हैं हम देव प्रयाग। ये है देव प्रयाग, और यहाँ पे आपने देख ली होगी दो अलग अलग कलर की नदियाँ हैं, वो अलग अलग कलर की दिख रही है ना, तो जो ये ज़्यादा काली दिख रही है ना, काली वाली, तो ये इधर को, जो ये इधर को काली वाली दिख रही है, ये हमारी अलकनंदा, और ऊपर की साइड को है हमारी भागीरथी। तो इन दोनों का संगम यहाँ पे होता है देव प्रयाग में, और ये आगे चल के, आगे हम, मैंने बताया था आपको, आगे चल के ये गंगा बनाती है। जब हम उस पुल पे थे, शिवपुरी पुल पे थे, तो वो मैंने दिखाई थी आपको गंगा, तो वहाँ से वो गंगा बना लेती है। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहीं पे इन दोनों का संगम होता है। अलकनंदा को बहू बोलते हैं, और जो भागीरथी है उसे सास बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आवाज़ करके आती है, ककड़ाहट जिसे बोलते हैं, सांस होती है ना तेज तड़ाक होती है, जो ज़्यादा ककड़ाहट करती रहती है। ककड़ाहट को क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब ज़्यादा चिल्लाती रहती है, बहू को परेशान करती रहती है। लेकिन जो अलकनंदा आती है वो बिल्कुल शांत स्वभाव की आती है, जैसे बहू होती है घर में सास के डर से। तो देव प्रयाग भी देख लिया हमने, पूरा देव प्रयाग ऐसा है, दिखाता हूँ मैं आपको, जो ये काली वाली दिख रही है अलकनंदा, ये बहू है, और जो थोड़ा ब्राउन है वो सास है। तो ये देव प्रयाग में इन दोनों का, सास बहू का संगम होता है, यानी अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। और ये आगे से चल के गंगा बनाती है, नई नदी का निर्माण करती है, जो मैंने शिवपुरी पुल पे भी दिखाया था आपको। तो देख सकते हैं आप, जो ऊपर से आ रही है आपकी सास यानी भागीरथी, तो काफ़ी आवाज़ से आ रही है, और जो अलकनंदा है वो बिल्कुल बहू बन के यानी शांत स्वभाव से आ रही है। तो इन दोनों का संगम भी यह देव प्रयाग में, तो चलते हैं आगे, होगी मुलाकात हमारी देव प्रयाग से। और देव प्रयाग का नज़ारा जो आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया है, थोड़ा टॉप पे आ रखा मैं, यहाँ ऐसे दिखता तो नहीं, इस पहाड़ पे आ रखा मैं, आप देख सकते हैं। आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि ये नदियाँ यहाँ पे तो मिल चुकी हैं, जो पहले हमारे रुद्रप्रयाग में हुआ अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, उसके बाद सीधे आगे आई, और आगे आके
अब बड़ी नदी बनी तो उसे अलकनंदा नाम से जाना गया। फिर उससे आगे आई तो आगे आने पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम हुआ तो वहाँ से गंगा बन गई। लेकिन ये नदियाँ जाती कहाँ है, ख़त्म कहाँ होती है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये सीधे हमारे ये यूपी से होके जाती है आगे, और वहाँ से सीधे निकल के बंगाल की खाड़ी में जाती है सीधे समुद्र में। तो यही इनका अंतिम स्वरूप होता है नदियों का, चाहे कितनी भी बड़ी हो, आखिरकार जाना तो उसे बंगाल की खाड़ी में है, समुद्र में है। तो मेडी भाई आपको थोड़ा कुछ बताएंगे इसके बारे में, देवप्रयाग में कुछ खास। हाँ मेडी भाई बताओ कुछ खास, क्या लगा आपको देवप्रयाग में? देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के साथ साथ मान्यता के अनुसार, जैसे यहाँ के लोगों से पता करके हमें पता चला, मान्यता ये है कि जब भागीरथ ने गंगा को धरती पे उतारा था तो गंगा के साथ साथ 23 करोड़ देवी देवता भी यहाँ पे उतरे थे, उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था यहाँ पे। और साथ ही यहाँ से जो चंद्रबदनी मंदिर और जो नागराज मंदिर है वो भी दर्शनीय होता है। चंद्रबदनी मंदिर भी यहाँ से साफ आप देख सकते हैं, शायद वीडियो में नहीं आएगा। इसके साथ साथ देवप्रयाग में प्राचीन शिव मंदिर और द्रविड़ शैली में निर्मित रघुनाथ जी का मंदिर भी है देवप्रयाग में। और यहाँ एक और आश्चर्य की बात है, एक वो है इसे वो कहते हैं एक रहस्य की बात है कि यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ वो नहीं पाए जाते, यहाँ कौए नहीं पाए जाते, जो कौए होते हैं वो देवप्रयाग में नहीं पाए जाते, अभी हमें भी नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग भी यही मानते हैं कि यहाँ पे कौए नहीं पाए जाते। इसका रीजन क्या है, कौए क्यों नहीं पाए जाते यहाँ? वो तो हमें भी पता नहीं, ये भी एक रहस्य की बात है कि देवप्रयाग में कौए नहीं पाए जाते। जो हम कौन से कौए की बात करें, जो पक्षी होती है ना कौए, काला कौवा जिसे बोलते हैं, वो काव काव करता है, तो वो कौवे नहीं पाए जाते। मैंने भी पढ़ा है लेकिन मेरे को दिखे भी नहीं, या वैसे रहते नहीं है। इसके पीछे कुछ लॉजिक है पर वो हमें कुछ पता नहीं है, है ना मेडी भाई? जो अलकनंदा है वो बहू है, तो बहू इसलिए है क्योंकि इसका जो स्वभाव है वो बिल्कुल शांत है, आप देख सकते हैं। पता नहीं चल रहा है कि ये ऊपर को बह रही कि नीचे को बह रही, देख सकते हैं कुछ भी आवाज़ नहीं है, 1% आवाज़ नहीं है इसकी, 1% बोले तो 1% नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है ये, कहाँ जा रही है, ऊपर को जा रही कि नीचे को जा रही। तो इसलिए इसे बहू माना गया है, और जो भागीरथी है उसे सास, क्योंकि वो छन 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 की आवाज़ करके आती है ऊपर से, कल कल की आवाज़ करके, इसलिए उसे सास बोलते हैं। और इनका संगम बताया मैंने देवप्रयाग में होता है अलकनंदा और भागीरथी का। तो पहुंच चुके हैं हम धारी देवी मंदिर में, और ये है धारी देवी का मंदिर, कितना प्यारा लग रहा है। माँ धारी देवी बिल्कुल पानी के बीचों बीच बसी है, आप देख सकते हैं ये माता पता नहीं कैसे बस रखी है, वो जिसमें मंदिर बन रखा है आप देख सकते हैं वो कभी बहते नहीं है, कभी नहीं, बहुत साल हो गए इस मंदिर को। इस मंदिर का रहस्य वैसे मुझे पता नहीं रहस्य क्या है, लेकिन ये अलकनंदा में बीच नदी में बसा है ये मंदिर माँ धारी देवी का। तो चलते हैं, आपको मंदिर से अवगत कराता हूँ, मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। पहुँच चुके हम धारी देवी मंदिर में, और ये मंदिर का गेट है, और यहाँ से अंदर जाएंगे। पहुँच चुके हैं हम मंदिर में, और ऊपर चलते हैं, थोड़ा दर्शन करके आते हैं माता रानी के। काफ़ी टाइम से हम आए नहीं मंदिर में, तो चलते हैं, दिखाऊंगा मैं आपको अंदर। वैसे वहाँ अलाउड तो है नहीं कि वीडियो शूट करना, फिर भी कोशिश करूँगा कि वीडियो शूट करने देते हैं कि नहीं। का वीडियो नहीं बना पाया मैं, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए नहीं बना पाया मैं। और पूजा कर ली हमने, और चलते हैं सीधे, इसके बाद सीधे निकलेंगे। तो सरदारू लोग भी काफ़ी आ रहे हैं,
श्रद्धालु लोग भी काफ़ी आ रहे हैं और माता रानी की कृपा हम पे भी बने रहे आशा करता हूँ मैं। जैसे कि मंदिर देखा होगा आपने, बीच में है, बिल्कुल बीच में, अलकनंदा के बीच में। अगर दूर से देखें तो किसी की हिम्मत नहीं है इस मंदिर में आने की, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो पता नहीं चलता कि हम अलकनंदा के बीच में खड़े।